हेलो दोस्तों, मैं हूं गम्मू राजस्थानी का पीड़ित पति तगु राजस्थानी। राम राम, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे तगु राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये एरिया कौन सा है आप पहचान सको तो कमेंट करके बताना जरूर कमेंट में। और ये एरिया शायद बकरियों के नाम से ही फेमस है, तो आज हम मिलाते हैं उन बकरियों से, भेड़ों से। देसी हम तो मारवाड़ी है भाई, तो हमारे तो बकरियां भेड़े तो होती है, आपको पता ही है ढाणियों में। तो देख लो कितनी सारी बकरियां हैं, भेड़े हैं, और यहाँ मींगनी से मींगनी मिली हुई है जमीन पर, देखोगे ना आप ये क्या है। तो ये जैसलमेर का एरिया है, जैसलमेर और तनोट के बीच पे एरिया आता है, बहुत शानदार एरिया। और एक चीज आप और मिलेंगे जो एशिया के सबसे बड़ा है टीवी टावर, तो वो भी आगे आपको मिलाएंगे। और बाकी आप सुन ही रहे हो, बाड़मेर के अंदर एक धमाका मचा हुआ है, हर आदमी के जुबान पे यही है। तो लोग तो कहते हैं भाई फॉलो करना है, तो फॉलो के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करना नहीं पड़ता है, फॉलो बैक तो देना जरूरी है। अब फॉलो के लिए कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, इनको शर्म नहीं आती लोगों को, हद हो गई यार। सुर्खियों में चल रहा है मामला भाई, जो मुझे गलत बता रहे थे और मुझे इतना बदनाम करने का 2 साल से प्रयास कर रहे थे। अरे भाई जग्गू भाई, क्या हो रहा है? और बिल्ली बकरी हमारे पड़ गयो, के करे दू ही के करी डबा। अरे अरे हुआ कर हुआ कर, ला ठोक दे गुने पत्ते। और मजा ले गुना दू है ही के लाई, घना दिनों आयो है गुना बड़ो, एंजॉय करे तो दोस्तों एंजॉय करो, जिंदगी में कुछ साथ में नहीं जाएगा, मस्त रहो। लेकिन जो हमें परेशान किया था, जो हमारा खास दुश्मन था, तो अभी वो बाड़मेर में सुर्खियों में चल रहा है मामला। अब क्या है रियलिटी, मैं तो उस गमूडी को बोलती हूँ भाई सफाई तो दे। आप बोल रही हो हम दूध से धुले हुए हैं, हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है, अब ये क्या हो रहा है भाई? लांछन लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो, तो अब ये क्या हो रहा है मेरे को ये बताओ, पब्लिक को सफाई दो आप, हो क्या रहा है? तो मैं तो सही सही बता दूं आपको कि इनका परिवार पूरा ही ऐसा ही है, मान बेटी बोरी हैंग है। धीरे धीरे सबका सामने आएगा रिजल्ट, गलत करने वाला का रिजल्ट सामने आएगा। तो दोस्तों एंजॉय ले रहे हैं हम तो भाई, बाकी जाए अपने क्या करना है, गलत करेंगे उनका परिणाम गलत ही होगा, अपने साथ तो भगवान है, अपन तो भगवान के भरोसे चल रहे हैं, अपन ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है तो अपने साथ कुछ गलत होगा नहीं। और बाकी लोग गलत करेंगे तो उनका रिजल्ट अपने आप उनको मिल जाएगा। मेरी फैमिली इसने बर्बाद की है तो इतना ये भी दूध का धुला हुआ नहीं है, और जरूर एक दिन रिजल्ट मिलेगा इसको। तो दोस्तों आज हम धनोट से, जो कल मैंने वीडियो बनाया था तो वीडियो अधूरा रह गया था, तो अभी हम रास्ते में हैं और वापस जा रहे हैं रामगढ़। रामगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा टीवी टावर है, काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ जाते हैं तो रील वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और वैसे तनोट का तो टूर अपन ने करवा दिया था पहले ही, और सम डेजर्ट का भी टूर मैंने करवा दिया था उस दूसरे वाले तब्बू मारवाड़ी चैनल पर, आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी जाके देख लेना, बहुत शानदार था, बहुत मज़ा आया। 4 दिन की छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में घूमने का पूरा आनंद लिया था। और अब आगे हम आपको क्या बता रहे हैं आप बने रहिए, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो ये है रूट तनोट से जैसलमेर जा रहे थे, और बीच में आ गया है ये टीवी टावर। ये एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है, आपने सुना होगा अखबार में या टीवी पे, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल तो हम आज पास में गए हैं और आपको बताते हैं। यहाँ लोग खूब आते हैं सेल्फियाँ लेने के लिए, रीले बनाने के लिए। तो हमने भी सोचा भाई हम इधर आए हैं तो थोड़ा फोटो वोटो ले लेते हैं, रील बना लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डर लग रहा है, नीचे खड़े हैं तो कहीं डिग न जाए टावर। और पास में एक बोर ही थी तो बोर खाने का आनंद ले रहे हैं, बोर भी मीठे हैं। तो एक पन दो काज रील भी बन जाए और बोर भी खा ले दोस्तों। बाकी लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि भाई ये शकुनी मामा के क्या हो गया आप ऐसा, और ये कैसी फिल्में रिलीज हुई तगु भाई। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है, सुना हमने भी है कि मार्केट के अंदर कुछ फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन मेरे पास अभी आई नहीं है। और गलत करेंगे तो उनकी फिल्में रिलीज होगी, ये तो क्लियर है। मैं तो कोई ऐसा करे क्यों, दूर तो हरेक खावे पर फिल्म बनाने की जरूरत कटे। अभी तो एक आधे की हुई, अभी तो लारे घना पड़िया है, धीरे धीरे सबकी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। गलत करेंगे तो सबकी होगी। तो भाई आवरा बोर खाओ, बोर बहुत मीठे है, रामगढ़ के बोर। मैं तो आया तो था सेल्फी लेने के लिए टीवी टावर की, और यहाँ बोर खाने के बैठ गया। लेसी बोर है, आइए आनंद लेते हैं बोरों का, और फिर जाना है वापस आगे। ओहो हो भेड़ ही भेड़ भाई, एरिया शानदार लगा मुझे, लेकिन थोड़ी सुनसान है जगह। तो भाई मैं बता दूं, भगवान के घर बिल्कुल न्याय मिलता है। इन शकुनी मामा ने मेरे पूरे परिवार बर्बाद करने का प्रयास किया और मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, और हजारों आरोप लगे, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप लगाते गए, कोई सबूत नहीं दिया। आज देते हैं कल देते हैं, कोई सबूत नहीं दिया, आरोप लगाते गए। लेकिन तगु भाई के कुछ नहीं बिगड़ा, तगु भाई वैसे पहले था और वैसे इंजॉय कर रहा अभी भी। लेकिन खुद की, इन लोगों की खुद की बेइज्जती अब हो रही मार्केट के अंदर। आप लांछन दूसरे के ऊपर लगाते हो, आप क्या खुद दूध से धुले हुए हो? तेरे को रिएक्शन देना है तो अब दे, अब बता। अब मार्केट में मुंह लेके जाओ, फॉलो करेंगे लोग आपको, चरम आनी सही है आपको। एक फॉलो के चक्कर में कैसे कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हो, हद हो गई है भाई। तो ये है पवन सकिया, जैसलमेर में काफ़ी फेमस सकिया है, इससे लाइट वगैरह पैदा होती है। और हमारे यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो इसको बिजनेस भी बना रखा है, इससे इनकम भी होती है। अपन पवन सकी वगैरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, बाकी ठीक ठाक मजूरी हो जाती है। दोस्तों अब वीडियो करते हैं एंड, और लाइक सब्सक्राइबर फॉलो कर दिया, फॉलो बैक दे दिया, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, फिर बहुत मस्त आएगा।